नमस्कार, मैं हरिशंकर और आप देख रहे हैं टेक रिलेटेड ट्रिक इन हिंदी चैनल। अगर आपका UAN नंबर वाला मैसेज डिलीट हो गया है या आप अपना UAN नंबर भूल चुके हैं तो आप इसे ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको epfindia.gov.in वेबसाइट को विजिट कर लेना है। विजिट कर लेने के बाद यहाँ के डैशबोर्ड में आपको एक सर्विस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फॉर एम्प्लॉयर्स और फॉर एम्प्लॉयज, तो आप जो भी हो आप उसे सिलेक्ट करें। मैं एक शिक्षक हूँ तो मैंने यहाँ पर फॉर एम्प्लॉयज सेलेक्ट किया। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे आना है और सर्विस में आप देखेंगे मेंबर UAN या ऑनलाइन सर्विस, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहां पर कि आपको पेज को थोड़ा नीचे डाउन कर लेना है। डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नो योर पैन का आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आपने UAN के वक्त डाला होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दर्ज कर दे। मोबाइल नंबर दर्ज कर देने के बाद जो कैप्चा कोड ऊपर में दिख रहा है उसे नीचे में लिखिए, जैसे कि यहाँ पे कैप्चा में Z कैपिटल है, US स्मॉल है, M कैपिटल है और O स्मॉल है, आप उसी प्रकार से यहाँ पे लिखें। इसे लिख देने के बाद आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब एक बार पेज को फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको OTP दर्ज कर देना है। मेरा OTP आ चुका है, OTP दर्ज कर देने के बाद आप नीचे में एक बार फिर से कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए OTP वैलिडेशन सक्सेसफुली, अब ओके पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पे आप कहता है नेम, तो आप यहाँ पे अपना नाम दर्ज करेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है सिलेक्ट एनीवन, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेंबर आईडी जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, तो आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कराने दीजिए और यहाँ पे इंटर आधार में आप अपना 12 अंकों का आधार कार्ड संख्या दर्ज कर दीजिए। उसके बाद फिर से यह कैप्चा कोड नीचे में दर्ज कर देना है और शो माय UAN पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए योर UAN नंबर इज, तो यहाँ पे आपका UAN नंबर शो हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए या इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे हुए अपने UAN नंबर को फॉरगॉट कर सकते हैं अगर आपका UAN नंबर खो चुका है तो।